हरे हरे छोटे छोटे नो फुदकते हैं पैर टक का, जो नौ जो कितने कूद के पड़ते हैं। अरे बाती, और पृथ्वी के रंग जैसे, वो पता भी ना दिखता, पृथ्वी के रंग में रंगे उस जैसे होते हैं, और हमारे पैरों के नीचे या और क्रियाओं में मरते हैं। अरे बाती पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा, तारक मंत्र कोट जपाई, वो जीव हत्या उतरे नाही। तुम कितने ये राम राम कृष्ण हरे कृष्ण दास जैसे हम कहते हैं, तारक मंत्र नहीं है, और तुम इनको तारक यानी ये पाप नाशक और पार करने वाले मंत्र मानकर जाप करते हो। कहते हैं ये तारक मंत्र कोटि जपाई, ये जीव हत्या उतरे नाही, ये तुम्हारे जो पाप लिखे गए ये कट्ट नहीं तुम्हारे इन मंत्रों से। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। ओए होए, कहते सारा दिन में करोड़ों जीव मार कर शाम को विश्राम लेते हो, तुम अपने धंधे के लिए भी काम करते हो। अपने आत्माओं, आपके मन में एक शंका उत्पन्न होएगी कि भी जैसे पोचा तो हम भी लगाते हैं, और आजकल तो पोचा भी एक दूसरे स्टैंडर्ड का हो गया, वो उस तरह लगाते हैं, वो फिलाइन फिनाइल फिनोल छिड़क छिड़क कर या वैसे पोचा मारते हैं, तो उसमें भी जीव हंसा होती है। अब शंका होगी कि ये तो हमारे को भी पाप लगेंगे, तो यहीं इसमें इस भक्ति में और आज तक हम सुनते करते आ रहे थे उस भक्ति में दिन और रात का अंतर है। जैसे हम प्रतिदिन वस्त्र पहनते हैं, ये वस्त्र प्रतिदिन मैले भी होते हैं, प्रतिदिन इनको हम साबुन और जल से धो लेते हैं, ये उज्जवल रहते हैं। ऐसे ही जिनको साबुन और जल का अभाव होता है, उनके कपड़े इसे हो जाते हैं मैल में ग्रस्त, कपड़े का रंग भी दिखाई नहीं देता, ये सफ़ेद हैं या काले। तो पुण्यात्माओं, ये जो मंत्र आपको मिला है, सतनाम जो जाप है, ये समझ लो आपको डिटर्जेंट वो साबुन मिल गया, और जल इस सत्संग रूपी जल और सतनाम रूपी साबुन आपको मिल गया। आप जान कर नहीं करना पाप, जान के पाप कौन सा है, मुर्गे खाना, बकरे काटना, या जानबूझ कर कीड़े मकोड़ों के ऊपर के चाले, नहीं, उनसे बचने की चेष्टा करें जहाँ भी कोई जीव जंतु आगे हों, और जैसे आपके रास्ते पर ही हैं और आपको नीचे रास्ता बदलने का कोई स्थान नहीं है, तो आप दोषी नहीं हैं। आप चेष्टा करिए वहाँ भी पैर को बचा बचो कर उससे निकल कर आगे ठीक हो जाएं, और उस दौरान कोई मरता, आप दोषी नहीं हैं। फिर भी आप जैसे हलाई खेत में हल जोतता है, मजदूर कस्सी से जमीन काटता, उसके साथ वो कट जाते हैं, आपका वहाँ काटना उद्देश्य नहीं है, लेकिन पहले वाले विधान से आपको दोनों भोगने पड़ेंगे। और इस परमात्मा के विधान में लिखा है कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, और कह कबीर दास का फिर पाप नहीं लगे। जान कर नहीं मारना, अनजानपने में कोई ऐसे, जैसे हम जो कर्म हमारे हैं स्वाभाविक कर्म, उनको करते करते कोई हिंसा होती है, तो वो हमारा पाप लगेंगे नहीं, क्योंकि हम इस परमात्मा के शरण में आ गए, और फिर जो पाप हमारे अन्य जो लगते होते हैं हमसे, वो फिर इस सतनाम से नष्ट हो जाएंगे, संचित कर्म भी हमारे इस मंत्र से नष्ट हो जाएंगे, और प्रारब्ध के आने वाले दुखदायी कर्म भी हमारे इस प्रारब्ध रूपी फसल में वो खरपतवार ऐसी तरह जल जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे, पुण्य से इस बचेंगे। अब आप जी को ये शंका हुई कि हम भी पोचा लगाते हैं, इनमें भी पाप होते हैं, नहीं, इस सतनाम के जाप से, क्योंकि वो हमारा उद्देश्य वो मारना नहीं है, हमने अपने उस स्थान को पवित्र रखना, नहीं तो फिर हम बीमार हो जाएंगे। तो ये पाप पहले तो लगने थे, अब नहीं लगेंगे। उदाहरण के लिए बताता हूँ कि जैसे किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग यानी गाड़ी चलाने का प्रमाण पत्र लाइसेंस है, और वो सड़क पर जा रहा है, उससे कोई इत्तफाक से कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई व्यक्ति मर जाता है, तो सबसे पहले पुलिस आकर के ये देखती है कि क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। यदि उसके पास प्रमाणित ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो 90% दोषी नहीं है, 10% फिर किन परिस्थितियों में ऐसा घटना घटी है, कोई गाड़ी में दिक्कत आई है या इसने लापरवाही करी है, वो अलग बात है।
और जिसके पास लाइसेंस नहीं है और उससे दुर्घटना हो जाती है, कोई मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, वो सीधा जेल जाता है, उसको कोई विकल्प नहीं। तो ये जो दास आपको मंत्र दे रहा है, ये ड्राइविंग लाइसेंस है। इस पृथ्वी पर आपको रहने और करने के नियम और विधि बताई जाती है। तो जिसके पास ये मंत्र है उससे फिर ये हिंसाएं होती हैं, उनका करना उद्देश्य नहीं। तो उस लाइसेंस जिसके पास, ये मंत्र जिसके पास इस दास से उपलब्ध है, उस पर वो दोषी नहीं है, क्योंकि उसके पास ये प्रमाण पत्र है कि भक्त है और भक्त कभी जान के मारा नहीं करते। और इस प्रकार आप उन कष्टों से, उन पापों से बचोगे और आपके पुण्य प्रफुल्लित हो जाएंगे, सतलोक जाओगे। बोलो सतगुरुदेव, जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कबीर देव कबीर साहिब जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, हम सभी के जनक हैं। हम अपनी गलती से इस काल के जाल में फंस गए और यहाँ इस काल भगवान ने हमारी गणी दुर्गति कर रखी है। अपनों के लिए अपने ही दुखी हुआ करते हैं। अब यहाँ देख रहे हो, हम परमात्मा को दयालु भी मानते हैं क्योंकि उनके गुणों में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी दया नाम की चीज़ नहीं है। कोई कहीं खेतों में कोई घूम रहा है, जंगल में, वन में, या रास्ते में कोई चल रहा है, अचानक वर्षा आ जाती है, भीगो चाहे बचो, कोई बीमार है चाहे कोठी स्वस्थ है, ओले गिर जाते हैं, मट्टा मच्छर में लागे, भाग कर कहीं दौड़ कर जान बचा ले तो बचा ले, कहीं फ्लड आ जाता है तो हजारों व्यक्ति बह जाते हैं, पशु पक्षी मर जाते हैं, मनुष्य मर जाते हैं। तो पुण्यात्मा, ये स्थान वो है ही नहीं, यहाँ का भगवान दयालु है ही नहीं। और दयालु परमात्मा यहाँ आते हैं, हम उसको पहचान नहीं पाते क्योंकि हमने अज्ञान आधार से भगवान की परिभाषा उलट सुन रखी है। हमने परमात्मा को ना पहचान कर जो भगवान नहीं है उनको भगवान मान रखे है। जैसा कि कल आप जी को श्री शिव महापुराण के अंदर प्रकरण दिखाया था, ये काल भगवान जो यहाँ का भगवान है, जो काल है, भगवान माने स्वामी, कंट्रोलर, तो यहाँ का जो मालिक है 21 ब्रह्मांड का, ये ब्रह्म है, सर्वपुरुष भी इसको कहते हैं, सर्वब्रह्म भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी काल भी कहते हैं। ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिता हैं। और ये स्वयं कहता है ब्रह्मा और विष्णु जी को कि तुमने बड़ी गलती की है, अपने आप को भगवान मान रखे है, यू आर नॉट गॉड, तुम परमात्मा, तुम भगवान नहीं हो, और हम इनको भगवान मान रहे। अपुण आत्माओं, ये इतनी कड़वी दवाई है, कुनीन है, क्योंकि इस प्रत्येक सत्संग में एक ये सामूहिक सत्संग शिक्षा स्थल है और इसके अंदर विद्यार्थी बदलते रहते हैं। हमारे भक्त अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, या वैसे भी कोई ठीक सी बात को सुनने को तैयार है, उनको समझाते हैं और कहते हैं एक बार चलियो आप सत्संग सुन लो, तो ऐसे भी पुण्यात्मा आते हैं और उनको ये प्रथम बार ये सुनने को मिलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है। तो उसके लिए ऐसा होगा जैसे बच्चे के जीभ पर कुनीन रख दे, रो थूक देता है, उसको ग्रहण नहीं करता और वो फिर बहुत हानि को प्राप्त होता है। तो उस कुनीन को खाने के लिए उसको शुगर कोटेड कर देना अनिवार्य है ताकि आसानी से वो गले उतर जाए। तो शुगर कोटेड करने का उद्देश्य है कि जैसे एक बार ये कह दिया कि ब्रह्मा विष्णु ये भगवान नहीं है, ईश नहीं है, तो ये कुनीन तो दर्दी सी जीव पर, और फिर उनके प्रमाण उनकी जीवनी में लिखा दिखा दिया तो वो शुगर कोटेड होगी, फिर आसानी से गले उतर जाती है। तो ये प्रमाण आपको एक बार फिर दिखाते हैं, ये देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित संस्कृत भी साथ है, भाग एक, श्री शिव महापुराण विद्या अवृद्धि
पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई। इसमें थोड़ा सा हिंट देंगे आपको हम। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया था। ब्रह्मा जी कहे थे, जैसा कि कल आपको बताया था और पूरा विस्तार से दिखाया था, थोड़ा सा हिंट लेंगे सिर्फ थोड़ा सा। कल आपको बताया था कि ब्रह्मा और विष्णु जी में इस बात पर झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहे थे मैं तेरा बाप, विष्णु जी कहे थे मैं तेरा जनक। उनके आपस में युद्ध हो गया। तो ये काल भगवान जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसने इनके दोनों के बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, यानी पिलर, एक स्तंभ खड़ा कर दिया तेजो में प्रकाश युक्त। उनका युद्ध बंद हो गया। फिर ये स्वयं प्रकट होकर उनको क्या कहता है कि तुम भगवान हो ही नहीं, तुम वैसे ही कह रहे हो। ये देखिएगा, ये वही शिवपुराण आपको दिखा रहे हैं। ये शिवपुराण भाग एक अभी आपको दिखाया था, उसी को आगे दिखाते हैं। इसके प्रश्न नंबर 17 पर आपको ले चलते हैं। ये प्रश्न नंबर 17 है शिवपुराण, और यह विद्वेश्वर संहिता भाग एक अध्याय 9 में। और उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा, किसने? उस काल भगवान ने, इनके पिता ने, मेरे सकल और निष्कल, सकल माने साकार, निष्कल माने निराकार भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं है। इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते, उनके दो रूप नहीं हो सकते, पहला स्तंभ रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है यानी निराकार है, और ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, भगवान मान लिया, कर्ता मान लिया, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रणस्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। बस हम इतना यहाँ लेंगे। अब आगे आज का सत्संग प्रारंभ करते हैं। इस पवित्र पुराण ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा और विष्णु ये प्रभु नहीं है, भगवान नहीं है, स्वामी नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15, 20 से 23, 20, 21, 22, 23 इसमें स्पष्ट किया है कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की पूजा जो करते हैं, इन्हीं तक जिनकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, आगे किसी का ज्ञान सुनने को तैयार नहीं, इनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म काल कहता है मेरी भक्ति भी नहीं करते। और अन्य देवताओं की पूजा जो बुद्धिहीन लोग करते हैं वो शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है। पुणात्मा इस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं अपने सतलोक से चलकर, और उस सतलोक से चलकर यहाँ आए थे इस अज्ञान को हटाने के लिए। उसी उपलक्ष में ये 5 दिवसीय समागम समारोह ये चल रहा है, जिस उपलक्ष से परमात्मा यहाँ आए थे उसी उद्देश्य से वो अपनी एक प्यारी आत्मा धर्मदास जी को मिले थे। धर्मदास जी एक बहुत बड़े धनी थे, बांधवगढ़ में रहते थे, इतने रहीस थे, इतने रिच मैन थे, कहते हैं उनके दादे और परदादों से और पिताजी से वहाँ के राजा लोग प्राकृतिक आपदाओं के समय वित्तीय सहायता प्राप्त किया करते थे। कहने का भाव ये है कि इतना से